सैम विल्सन एज कैप्टन अमेरिका एंड उसके साथ वकांटोरिस एज द न्यू फैल्कन। एमसीयू में वापसी हो रही है इन दोनों की कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के टीजर ट्रेलर के साथ। बट यहाँ सिर्फ टीज ही नहीं किया गया बल्कि बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें देखने भी मिल रही है, जैसे 2008 के बाद सैमुअल स्टर्न्स के लीडर की फिर से एक झलक, 2021 में इटर्नल्स के बाद भुलाए जा चुके टियामट का सर, एंड एमसीयू में एंट्री के साथ फर्स्ट लुक रेड हल्क का भी। हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल एंड ये है कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के टीजर ट्रेलर का कंप्लीट ब्रेकडाउन विद हिडन डिटेल्स एंड ईस्टर एग्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, स्पॉइलर्स वार्निंग के साथ करते हैं फ्रेम बाय फ्रेम ट्रेलर ब्रेकडाउन। विल्सन, थैंक्स फॉर कमिंग इन। थैंक यू फॉर द इनवाइट सर। आई हैव टू एडमिट आई एम स्टिल गेटिंग यूज्ड टू द न्यू लुक। दे सेड टू लूज द मस्टर, लूज द इलेक्शन। यू एंड आई, I haven't always agreed in the past, but I want to make another run at making Captain America an official military position. And if we disagree on how to manage this situation, then what happens? Work with me, Sam. We'll show the world a better way forward. ट्रेलर की शुरुआत होती है सैम विल्सन के थंडरबोल्ट रॉस से मिलते हुए व्हाइट हाउस में। एक्टर एंथनी मैकी के फैल्कन को हमने फर्स्ट टाइम देखा था 2014 की कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर में, एंड कॉमिक्स की तरह जहां कैप्टन अमेरिका स्टीव रॉजर्स के रिटायरमेंट के बाद फैल्कन यानी कि सैम विल्सन बन गया था न्यू कैप्टन अमेरिका, वही चीज हमें देखने मिली अवेंजर्स एंड गेम के एंड क्रेडिट्स में, जहां स्टीव ने अपनी शील्ड सैम को थमा दी थी एंड उस स्टोरी का कंटिन्यूएशन दिखाया गया मिनी सीरीज जो डिज्नी प्लस पे आई थी 2021 में द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में, जिसके एंड में सैम ने कंफर्म कर दिया था कि वो है नेक्स्ट कैप्टन अमेरिका। एंड सीरीज में हमें सैम के बहुत सारे स्ट्रगल्स देखने मिले एज ब्लैक कैप्टन अमेरिका, लेकिन इस टीजर की शुरुआत उसे न्यू चैलेंजेस से मिलवाती है जहां वो मिलता है थंडरबोल्ट रॉस से, एंड उनके फर्स्ट कन्वर्सेशन में उनके डायलॉग्स ये क्लियर करते हैं कि ये कैरेक्टर जो एक्टर प्ले कर रहे हैं वो चेंज हो चुके हैं। इवन दो इसे फनी मोमेंट की तरह दिखाया गया है जहां सिर्फ रॉस की मूछताछ पे कमेंट किया गया है, लेकिन इसके पीछे की कहानी एमसीयू फैंस को ऑलरेडी पता ही होगा। 2008 से थंडरबोल्ट रॉस इस कैरेक्टर को प्ले किया था एक्टर विलियम हर्ट ने, जिनकी 2022 में डेथ हो गई, एंड इसलिए इस कैरेक्टर को अब प्ले करेंगे एक्टर हैरिसन फोर्ड, जिन्हें हम ऑलरेडी बिहाइंड द सीन फोटोज में देख चुके थे। तो हम फैंस की तरह सैम भी यहाँ क्वेश्चन कर रहा है इस एक्टर के चेंज होने पे। लेकिन नोटिसेबल चीज है कि यहाँ थंडरबोल्ट अभी तक प्रेसिडेंट नहीं बना है, क्योंकि ट्रेलर में आगे हमें प्रेसिडेंट की इलेक्शन स्पीच वाले फुटेज भी देखने मिलते हैं। रॉस यही कहता है कि वो कैप्टन अमेरिका को ऑफिशियली मिलिट्री पोजीशन देना चाहता है, जो चीज द फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर में हुई थी जहां जॉन वॉकर को कैप्टन अमेरिका बनाया गया था, लेकिन वो प्लान बुरी तरह फेल हो गया था। एंड टीजर का स्टार्टिंग का सीन ही ये क्लियर करता है कि थंडरबोल्ट और सैम की नहीं जमने वाली। जब रॉस उससे कहता है कि वी हैवंट अग्रीड इन द पास्ट, वो रेफरेंस है कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर की इवेंट का, जहां पर स्टीव रॉजर्स की टीम का साथ देने की वजह से सैम को एक हाई सिक्योरिटी प्रिजन जिसका नाम है राफ्ट उसमें बंद कर दिया गया था उसके बाकी साथियों के साथ। एंड एक फ्लैशबैक सीन देखने जरूर मिलता है जो एक्जैक्टली उस लोकेशन का नहीं है, बट हो सकता है कि उसी टाइमलाइन का हो। अब इन कट सीन्स के बीच में हमें दिखती है एक न्यू कैरेक्टर जिसे प्ले कर रही है एक इजरायली एक्ट्रेस शीरा हास, जो प्ले कर रही है एमसीयू में एंट्री करने वाले एक और म्यूटेंट कैरेक्टर साबरा को। इस कैरेक्टर की एबिलिटीज है लाइफ एनर्जी को दूसरों में ट्रांसफॉर्म करना एंड एक तरह से रेगुलर ह्यूमंस को सुपर पावर्स देना। अब रूमर्स के हिसाब से इस कैरेक्टर को एक फॉर्मर ब्लैक विडो दिखाया जाएगा, यानी कि मल्टीपल ब्लैक विडोज में से एक वो भी रही है, एंड अब वो काम कर रही है यूएस गवर्नमेंट के लिए। स्पेशली प्रेसिडेंट रॉस का उस पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट है। यही कैरेक्टर रूथ हमें एक और सीन में भी दिखता है जहां उनके साथ है एक और एक्ट्रेस जोशा रॉकमोर। ऑल्दो इनका कैरेक्टर का नाम रिवील नहीं हुआ है, लेकिन ये प्ले करती देख सकती है कैरेक्टर लीला टेलर का, जो कॉमिक्स में सैम विल्सन की लव इंटरेस्ट रही है। इनके अलावा रोजा सेल्जर भी प्ले करती दिख सकती है कैरेक्टर डायमंड बैक एके रेचल लिंकटन को, जो पार्ट रही है कॉमिक्स में सरपंच सोसाइटी की एंड कैप्टन अमेरिका की एलआई रह चुकी है वो, एंड सरपंच सोसाइटी के लीडर के रूप में रेसलर एंड अब एक्टर सेथ रोलिंस भी इस मूवी में देख सकते हैं। मूवी की शूटिंग के टाइम उनके लीक फोटोज हमें देखने मिले थे, लेकिन माना जा रहा है कि मूवी की काफी ज्यादा रीशूटिंग हुई है, जिसके बाद जियान कार्लो एस्पोसितो ने एक अनडिस्क्लोज रोल में इस मूवी को ज्वाइन किया है, जिनका भी फर्स्ट लुक हमें देखने मिलता है। एंड अगेन ये कैरेक्टर भी अननोन है, बट क्योंकि सरपंच सोसाइटी इस मूवी में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली थी, अब रीशूट्स के बाद पता नहीं कितना इंपॉर्टेंट होगा वो रोल, लेकिन जियान कार्लो उन्हीं में से एक कैरेक्टर साइड वाइंडर का रोल प्ले करते हुए दिख सकते हैं, जिसकी पावर्स है टेलीपोर्ट करना। बट देन इसके अलावा एक और कैरेक्टर है जी डब्ल्यू
ब्रिज जो कॉमिक्स में एक्सफोर्स इशू 1 में लिखा था एंड ये एक मर्सनरी था सिक्स पैक ग्रुप का जो रिलेटेड रहा है सरपंच सोसाइटी के मेंबर से। एंड रूमर्ड है कि जियान कार्लो जिस कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं वो म्यूटेंट से रिलेटेड होगा, तो पॉसिबिलिटी है कि वो इसी कैरेक्टर को प्ले करते दिख सकते हैं। देन हमें देखने मिलता है ये सीन जहां पे एक शिप से मिसाइल्स लॉन्च हो रही है एंड बैकग्राउंड में हमें दिख रहा है टियामट आइलैंड। 2021 में आई इटर्नल्स मूवी के एंड में सेलेस्टियल टियामट हमें देखने मिला था जिसे फ्रीज कर दिया गया था और उसकी बॉडी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी इस मूवी में जिसपे थोड़ी देर में आता हूँ। लेकिन ये आइलैंड जो फ्रीज हो चुकी सेलेस्टियल की बॉडी है उसका हाथ इस सीन में पीछे दिखता है। एंड देन अगेन ट्रेलर के आगे के एक सीन में कैप्टन अमेरिका जब फ्लाई करता हुआ दिखेगा तब भी वो लोकेशन इसी सेलेस्टियल की है। तो फाइनली एमसीयू ने 3 साल पुराना एक प्लॉट होल फिक्स किया है। इन शिप्स वाले सीन के बीच में हमें शिप में रडार भी दिखती है जहां पे JPN लिखा है जो प्लेन्स अटैक कर रहे हैं यूएस की आर्मी पे। एंड क्योंकि इस मूवी में जापान का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बिकॉज ऑफ दिस फ्लावर्स, ये फ्लावर्स है चेरी ब्लॉसम जिन्हें जापान का नेशनल फ्लावर भी माना जाता है। एंड ट्रेलर के बहुत इंपॉर्टेंट सीन में ये फ्लावर्स दिख रहे हैं जिसका मतलब है कि क्लाइमैक्स बैटल जापान में दिखेगी। लेकिन यहाँ यूएस वर्सेस जापान या यूएस वर्सेस कुछ और कंट्रीज भी दिखाया जा सकता है क्योंकि नेक्स्ट सीन में ही जब रॉस अपनी प्रेजेंटेशन दे रहा है एक मीटिंग में वहां पर हम इस रिफ्लेक्टेड मैप के ऊपर बहुत सारी लोकेशंस हाइलाइटेड देख सकते हैं। अभी के लिए मुझे कुछ आइडिया नहीं है कि ये लोकेशंस हाइलाइटेड क्यों है। हो सकता है कि सभी कंट्रीज किसी एक चीज के पीछे जिसके पीछे यूएस भी है एंड उसी चीज को ट्रैक यहां किया जा रहा है। लेकिन इसी सीन में हमें दिखता है आइजाया ब्रैडली द फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर से एमसीयू की स्टोरी लाइन में इंट्रोड्यूस ये कैरेक्टर एक फॉर्मर सुपर सोल्जर रह चुका है और यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री का पार्ट था। यही कैरेक्टर था जिसने सैम विल्सन को भरोसा दिलाया कि वो ब्लैक कैप्टन अमेरिका बन सकता है। उस सीरीज से इसका ग्रैंडसन इलाई ब्रैडली जो कि यंग एवेंजर्स टीम का पार्ट रहा है वो भी इंट्रोड्यूस हुआ था लेकिन उसकी जगह आइजाया की यहाँ पे वापसी करवाई गई है। एंड ट्रेलर के सीन में वो खड़े होकर प्रेसिडेंट को शूट करता है। पास में सिनेमाकॉन में यही सीन दिखाया गया था वहाँ की ऑडियंस को और वहाँ के लीक से हमें पता है कि यहाँ कोई म्यूजिक बजेगा, एक उस तरह का म्यूजिक जो सुपर सोल्जर्स को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है ठीक जैसे विंटर सोल्जर प्रोग्राम में बकी बांस के साथ किया गया था। एंड उसी चीज से ट्रिगर होकर आइजाया और कुछ और लोग भी इसी तरह माइंड कंट्रोल होते हुए दिखेंगे। यहाँ पे वो शूट करता है इस ग्लास पे जो शायद बुलेट प्रूफ होना चाहिए था बट टूट जाता है। एंड हम देख सकते हैं कि रॉस यहाँ पे नीचे गिरता है। अब दिखाया नहीं गया कि उसे हर्ट हुआ है बट हो सकता है कि इसी इंसिडेंट में वो हर्ट हुआ जिसके बाद उस पे एक्सपेरिमेंट्स किए जा सकते हैं एंड वो कुछ बनेगा जो एंड में बात करते हैं। यहाँ आइजाया जंप करता है विंडो ब्रेक करते हुए एंड सैम को हम देख सकते हैं किसी एजेंट के साथ फाइट करते हुए। अब हो सकता है कि वो एजेंट भी माइंड कंट्रोल में हो आइजाया की तरह या फिर सैम उन्हें रोक रहा हो आइजाया को शूट करने से। देखते हैं आगे का ट्रेलर। Sir, your inner circle's been compromised. Either you can't see that, or you don't want to. What if it's a trap? Global power is shifting. You're just a pawn. अब सैम रॉस से कहता है कि उसका इनर सर्कल कॉम्प्रोमाइज हो चुका है जिनमें आती है रूथ भी एंड हो सकता है कि सरपंच सोसाइटी के कुछ मेंबर्स रॉस की टीम के पार्ट हो। देन सैम और एक और पर्सन जो है न्यू फाल्कन एके वकान टोरस वो एक सिक्योर्ड लोकेशन में जाते हुए दिखते हैं। ऑब्वियसली सैम विल्सन अब फाल्कन से कैप्टन अमेरिका बन चुका है तो वो पोस्ट खाली थी। एंड द फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज में ये कैरेक्टर वकान टोरस जो कॉमिक्स में भी आगे चलकर न्यू फाल्कन बना था उसकी हिंट हमें वहीं से मिल गई थी कि वही न्यू फाल्कन बनेगा एंड यहाँ पर टोरस ही उसके साथ में है। एंड ट्रेलर के आगे एक सीन में हमें टोरस भी कैप्टन अमेरिका के साथ फ्लाई करते हुए दिखता है अपने न्यू फाल्कन सूट में। कॉमिक्स में तो टोरस को एक ह्यूमन बर्ड क्रिएचर दिखाया गया है यानी कि वो फिजिकली एक बर्ड बन गया था लेकिन यहाँ पे उसके पास जो सूट है वो मैकेनिकल ही है बस उसके कलर पैटर्न्स अलग है। सैम के सूट के विंग्स पे व्हाइट कलर ज्यादा है और टोरस के सूट पे ब्लू कलर। ये लोग जिस लोकेशन पे पहुंचते हैं वहां हमें दिखती है कुछ एक्सपेरिमेंट साइट। अब इनिशियली मुझे लगा था कि ये विंटर सोल्जर टेस्टिंग प्रोग्राम होगा क्योंकि इसी तरह की चेयर्स पास्ट में यूज की गई थी विंटर सोल्जर को कंट्रोल करने के लिए बट देन यहाँ पे ये टेबल भी है जिसपे स्ट्रैप करके एक्सपेरिमेंट हुए हैं। एंड इसी तरह का टेबल हमने देखा था द इनक्रेडिबल हल्क में जो 2008 में आई थी जिसके एंड में द लीडर क्रिएट हुआ था। तो हो सकता है कि यही वो लोकेशन है जहां पे हल्क के सीरम के साथ टेस्टिंग की जा रही है। आगे चल के ट्रेलर के सीन में इसी लोकेशन पे कुछ लोग सैम के ऊपर अटैक करते हैं जिनके पास कुछ एडवांस डिवाइसेस है बट इनकी कॉस्ट्यूम देखे तो ये मिलिट्री के लोग है विच मीन्स की ये मिलिट्री की हिडन लोकेशन है विच अगेन हिंट्स की ये थंडरबोल्ट रॉस पे एक्सपेरिमेंट वाली साइट हो सकती है। एंड उस पे एक्सपेरिमेंट कौन कर रहा है वो थोड़ी देर में हमें दिखेगा। अब यहीं पे हमें न्यू कैप का न्यू सूट देखने मिलता है जो आगे भी मल्टीपल सीन्स में दिखता है एंड इसमें थोड़े चेंजेस किए गए हैं फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर वाले सूट से स्पेशली ये रेड कलर जो ज्यादा ऐड किया गया है। यहाँ आर्मी के इन लोगों से फाइट करके उन्हें हिट करने के बाद सैम लैंड करता है सुपर हीरो पोज। सुपर हीरो लैंडिंग। देखते हैं आगे का सीन। यू मे बी कैप्टन अमेरिका बट यू आर नॉट स्टीव रॉजर्स। यू आर राइट। आई एम नॉट।
अब जियान कार्लो के कैरेक्टर के पीछे कुछ गाड़ियां ब्लास्ट होती है लेकिन उस पर कुछ इफेक्ट नहीं होता, हिंटिंग कि वो काफी मंझा हुआ विलन है। लेकिन इसी के नेक्स्ट फ्रेम में हमें देखने मिलता है सैमुअल स्टर्न्स, एके द लीडर का फर्स्ट लुक। पास में लीक फोटोज से हमें पता था कि टिम ब्लेक नेल्सन जिस कैरेक्टर को फिर से प्ले कर रहे हैं 2008 की द इनक्रेडिबल हल्क के बाद, उसे क्रिएट करने के लिए सीजीआई यूज नहीं किया जाएगा, यानी कि यहाँ पे सिर्फ मेकअप के थ्रू ही इस कैरेक्टर को दिखाया जा रहा है, जो कि इस सीन से क्लियर होता है। उसकी बॉडी और हाइट कॉमिक्स के कंपैरेटिवली नॉर्मल दिखाई गई है एंड उसकी नेक पे मेकअप क्लियरली दिख रहा है। मार्वल कॉमिक्स में सैमुअल स्टर्न्स लीडर बना था एक सुपर इंटेलिजेंट हल्क का विलन एंड वही रोल वो यहाँ पे भी प्ले करते हुए दिखेगा। अब हो सकता है कि वही हो पीछे थंडरबोल्ट रॉस के एक्सपेरिमेंट के एंड इवन आइज़ाया ब्रैडली के माइंड कंट्रोल के, एंड रूमर्स तो यही थे कि लीडर ही सर्पेंट सोसाइटी को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन वो कुछ और दिनों में क्लियर होगा। इस सीन में विंडो के बाहर हमें वही फ्लावर्स दिख रहे हैं चेरी ब्लॉसम वाले जो जापान वाले सीन में दिख रहे हैं, विच हिंट्स की लीडर भी जापान में ही है। आगे चल के जब रॉस प्रेसिडेंट बनता है और स्पीच दे रहा होता है एक सीन में, वहां पे भी यही प्लांट्स हैं एंड देन एक सिमेट्री लोकेशन, उसी लोकेशन जहां पे क्लाइमैक्स बैटल होते दिखेगी, जहां पे किसी का क्रिमेशन हो रहा है एंड ये पर्सन आइदर मिलिट्री का है या फिर गवर्नमेंट का है बिकॉज उसकी कफिन पे अमेरिकन फ्लैग है। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज है, ये जो मरा है आइदर ये आइज़ाया ब्रैडली है क्योंकि वो भी मिलिट्री का पार्ट रहा था, बट अगर उसने प्रेसिडेंट को मारने की कोशिश की और फिर वो मरा है तो उसे ये ट्रीटमेंट नहीं मिलेगी। देन सेकंड पॉसिबिलिटी इज कि ये थंडरबोल्ट रॉस है जो शायद आइज़ाया के अटैक के बाद मर जाता है या फिर मरा हुआ दिखाया जाता है, जिसके लिए ये क्रिमेशन सेरेमनी हो रही है। अब इस पूरे टीजर से मिसिंग है बेटी रॉस, थंडरबोल्ट रॉस की बेटी, जिसका भी हमें कंफर्मेशन मिल चुका है कि एक्ट्रेस लिव टेलर इस मूवी का पार्ट बनने वाली है, जिन्होंने द इनक्रेडिबल हल्क में इसी रोल को प्ले किया था। तो रूमर्स के हिसाब से इस क्रिमेशन वाले सीन में लिव टेलर एज बेटी रॉस दिखेंगी एंड उनका यहाँ पे आने का रीजन हो सकता है अगर ये क्रिमेशन हो थंडरबोल्ट रॉस का। अब एक मिलीसेकंड के सीन में हमें दिखती है रूथ शायद उसके साबरा कॉस्ट्यूम में फाइट करते हुए, देन इस सीन से क्लियर होता है कि अटैक होगा उसी चेरी ब्लॉसम फ्लावर्स वाली लोकेशन पे जहां पे काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ है एंड ये डिस्ट्रक्शन कौन कर सकता है वो आप गेस कर ही सकते हो। अब रॉस का वॉइस ओवर सैम से कहता है कि वो स्टीव रॉजर्स नहीं है, जो कि ट्रू है एंड सैम विल्सन खुद कैप्टन अमेरिका की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाह रहा था, जो चीज हमने देखी थी फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर की टाइमलाइन में, एंड यहां पे सैम विल्सन वही चीज रिपीट भी करता है कि वो स्टीव रॉजर्स नहीं है एंड हिंट तो यही मिल रही है कि वो स्टीव रॉजर्स से ज्यादा डिफरेंट डिसीजंस लेते दिखेगा। इसी सीन में कैप्टन अमेरिका के शूज का रेड पैटर्न ग्लो करते हुए दिखता है एंड देन कैप्टन अमेरिका की थ्रो ने शील्ड को ब्लास्ट करते हुए ट्रांजिशन किया गया है व्हाइट हाउस के थ्रू। अब जिस तरह से ये सीन सेट है ऐसे लगता है कि यहां पे सिर्फ ब्लास्ट हुआ है, बट अगर इस ब्लास्ट के पैटर्न को देखो तो ये नीचे से ऊपर की तरफ एंगल में जा रहा है, जिसके साथ कुछ चीजें गिर भी रही है। जब टीजर को मैंने स्लो मोशन में 2-3 बार देखा तो मुझे लगा कि यहां पे रेड कलर का कुछ है जो आगे आ रहा है, लेकिन फिर सीन के एंड में वो नहीं दिखता। बट आई थिंक कि इस सीन में व्हाइट हाउस को डिस्ट्रॉय करते हुए निकल रहा है रेड हल्क, क्योंकि ये एंगल ऑफ डिस्ट्रक्शन मैच करेगा अगर हल्क यहां से जंप करके तोड़ते हुए दीवार आगे निकले। अब हो सकता है कि ये टीजर से एडिट करके निकाल दिया गया हो क्योंकि सिर्फ एंड में ही रिवील किया जाएगा रेड हल्क को, या फिर हो सकता है ये सिर्फ एक बॉम्ब ब्लास्ट हो। सैम का ये लुक, वो जिस लोकेशन पे खड़ा है वो किसी को फेस कर रहा है जो रोड के ऑपोजिट साइड उसके सामने खड़ा है एंड वो थोड़ी देर में दिखेगा। देन हमें देखने मिलता है सैम का हवा में इस मिसाइल को डॉज करने वाला स्लोमो सीन एंड सैम के सूट में विंग्स की वजह से उसके पास एक्शन करने के काफी ज्यादा पोटेंशियल है, जो एक्शन इस टीजर में काफी अच्छी तरह से दिखाया गया है। उड़ते हुए सैम के बैकग्राउंड में अगेन दिखता है टियामट आइलैंड, जिसके बाद वो हिट करता है एक प्लेन को एंड क्योंकि उसके पहने हुए सूट के विंग्स वाइब्रेनियम के हैं जो उसे वकांडंस ने दिए थे, तो वो प्लेन को इजीली डिस्ट्रॉय कर पाता है। इसी के साथ रिवील होती है सेकंड फिगर जो है न्यू फाल्कन एंड यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं हम कैप्टन अमेरिका का पहना हुआ हेलमेट, जो शायद फ्यूचर के ट्रेलर में क्लियरली दिखाया जाएगा। अब वो अपने सूट के जेट पैक से साउंड स्पीड ब्रेक करता है जो काफी अच्छा इफेक्ट दिखाता है एंड इसी के बाद रिवील होता है मूवी का लोगो। देखते हैं लास्ट का सीन। This is the money shot. हमें सुनाई देती है एक लाउड रोर एंड रिवील होता है रेड हल्क, एक ह्यूज रेड कलर का हल्क जो सैम की फेंकी हुई शील्ड को इजीली पकड़ता है और उसे नीचे जमीन में गाड़ देता है। अब कॉमिक से सबको ऑलरेडी पता होगा लेकिन इस मूवी की अनाउंसमेंट से ही सबने गेस कर लिया था कि थंडरबोल्ट रॉस ही बनेगा रेड हल्क, जो कॉमिक्स में भी ब्रूस बैनर के गामा रेडिएशन से एक्सपोज होकर बना था एंड यहाँ पे इसका फर्स्ट लुक काफी अच्छा दिख रहा है, स्पेशली यहाँ पे जो डिटेलिंग की गई है। रेड हल्क अगर रॉस है तो रॉस के व्हाइट हेयर जो रेड हल्क के सिर पे थोड़े थोड़े दिख के आ रहे हैं, प्लस उसकी पैंट जो वैसे पता नहीं हल्क कौन सी पैंट पहनता है कि पूरी तरह फटती नहीं लेकिन थोड़ी कटी फटी दिख रही है। ऑल्सो ये वही रोड है जो पिछले सीन्स में हमें डैमेज दिखी थी एंड जैसे मैंने कहा इसी रोड के दूसरी तरफ हल्क के सामने खड़ा है कैप्टन अमेरिका अपने सूट में उससे फाइट करने के लिए रेडी। अब इस टीजर के अलावा मार्वल ने कुछ मार्केटिंग मटेरियल में रेड हल्क को कैप्टन अमेरिका की शील्ड पकड़े हुए एक फोटो भी रिलीज की थी, उस फोटो में हल्क के हाथ ने शील्ड को पूरी तरह पकड़ लिया है और इवन डैमेज कर दिया है। टीजर के इस सीन से हल्क के हैंड का रेशियो काफी अलग लग रहा है और वो एक हाथ से शील्ड को इस तरह ग्रैब नहीं कर पाएगा,
एंड जब वो उसे थ्रो करता है तब भी वो डैमेज नहीं दिखती। तो आई थिंक ये जस्ट मार्केटिंग के लिए क्रिएटेड पोस्टर था। बट यस, इसी सीन के साथ टीजर ट्रेलर खत्म होता है। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड रिलीज होगी अगले साल 14 फरवरी को। एंड इस टीजर ब्रेकडाउन के बारे में आपके थॉट्स एंड अगर कोई डिटेल आपने भी नोटिस की जो मैंने मिस कर दिया है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। फ्यूचर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड वीडियो अगर एंड तक देख रहे हो तो लाइक भी कर देना, क्योंकि वो एकदम फ्री है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो कि न्यू एंट्री है एमसीयू में, शोसा रॉक्यूमोर। क्या है ये नाम, रॉक्यूमोर, शोसा रॉक्यूमोर। एक बार गूगल को ही बोलते हैं।